कि समाज में, समाज हमें जो देता है हमें वो एक कभी ना कभी समाज को वापस करना पड़ता है। महिला होते हुए, औरत होने के वजह से कह लीजिए, या एक औरतों से ज़्यादा जैसे हम समाज में हैं, तो अपने साथ होते हुए अत्याचार और अपने आसपास होते हुए अत्याचार को देख के मुझे लगा कि स्त्री संबंधित या उससे जुड़ी हुई किसी बात को, किसी घटना को अगर मैं रखती हूँ तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये टॉपिक जो है, ये पहले से हम देखते हैं, 70 साल देखते हैं, सैकड़ों साल से। ये चुनने की खास वजह रहेगी ये टॉपिक चुनो और आज के टाइम पे मुझे लगा कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं औरत से रिलेटेड जिनको लोगों ने उठाया हुआ है। इस सब्जेक्ट को भी काफ़ी लोगों ने उठाया हुआ है पहले भी, लेकिन समस्या वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। तो मुझे लगा कि एक बार और मैं भी कोशिश करती हूँ इसी विषय को उठा के, जातिगत कह लीजिए इसको, या औरत के साथ होते हुए अत्याचार को कह लीजिए। तो आसपास इतनी सारी घटनाएं होते हुए मैंने देखी कि मुझे लगा कि मुझे भी एक कोशिश कर ही लेनी चाहिए। अगर मेरी इस कोशिश से 2-4-10 लोगों को भी समझ आ जाती है और 2-4-10 लोग भी इस तरह की वारदात करने से पहले सोचते हैं, तो मेरा सोचना, मेरा विषय को उठाना सफल रहा, सार्थक रहा। सेंसर से तो अभी भी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कि एक बार स्क्रीनिंग हुई, फिर 2 बार स्क्रीनिंग हुई, फिर हम FCAT तक गए, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग होने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिला है। वजह ये कह लीजिए कि शायद से छोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, एक तो हर जगह पे आप जब पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो अभी तक मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। उनका कहना है कि इसको ए सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये जातिगत दंगे भड़का सकती है या कुछ भी कह सकती है। मैं कहती हूँ कि जिस देश में हम अपना नेता, हम अपना प्रधानमंत्री, हम अपना राष्ट्रपति जाति के आधार पर चुनते हैं, उस देश में मेरी फिल्म दंगा कैसे भड़का सकती है? हमारे नेता लाख लाख लोगों के बीच में खुलेआम भाषण देते हैं कि दलित, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये वो सब जाति की बातें करते हैं। तब जब कुछ नहीं होता है, किसी तरह का कोई दंगा नहीं भड़कता, हम अपने नेता का चुनाव, अपने प्रधानमंत्री, पूरा देश की बागडोर हम जातिगत आधार पर किसी के हाथ में दे देते हैं, तो उस देश में हमें ऐसी फिल्म रखने का क्यों नहीं अधिकार है? क्यों ये कहा जा रहा है कि इसको 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं? जबकि हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है हम उसकी जाति निर्धारित कर देते हैं, उसके नाम के आगे शर्मा, शुक्ला, श्रीवास्तव, सिंह, राजपूत, पांडे, मिश्रा सब लगा देते हैं। तो हम तो जब पैदा होते ही बता देते हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारी ये सीमाएं हैं, तुम्हें इससे, इसमें अपने आप को रखना है और इनसे दूर रखना है। हम उनका धर्म बता देते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्या हो। तो जब हम पैदा होते ही उसकी जाति की बातें करने लगते हैं तो वहाँ पर सिनेमा से परहेज कैसा? तो सेंसर बोर्ड को अपनी इस, जो भी उन्होंने इस तरह की मर्यादाएं या इस तरह के नियम कानून बना रखे, उनसे उनको बाहर निकलना होगा, उससे ऊपर उठना होगा कि इसकी बात करना अगर हमारे देश में अपराध नहीं है तो फिल्मों में तो बिल्कुल भी अपराध नहीं है। और थोड़ी बहुत जो गाली गलौज की बात है, तो ये तो आम भाषा है, स्पेशली कहीं पे भी आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो, गांव हो, आदमी बोलचाल की भाषा में छोटी मोटी गालियों का उपयोग करने लगा है और कोई इस चीज़ को माइंड नहीं करता है। तो जब हम सड़क पे चलते हुए ऑटो रिक्शा वाले को गाली दे देते हैं या कोई गाड़ी वाले, किसी को भी कुछ भी हम अब्यूज़ कर देते हैं, वो बोलचाल की भाषा में आ जाता है, तो उसको हम बोलचाल की भाषा में ले लेते हैं और उस पर कोई आपत्ति नहीं होती, उस पर कोई एक्ट नहीं लगता है। तो फिल्म में अगर हम इस तरह की भाषा थोड़ी सी उपयोग कर लेते हैं तो उस पर आपत्ति क्यों है? हमारे सेंसर बोर्ड को अपने 70 साल पुराने, 100 साल पुराने नियमों से ऊपर उठना होगा और तभी हमारे समाज में अच्छी फिल्में आ सकेंगी और नए लोग कोशिश करेंगे कि हम आगे भी अच्छा काम करें। आधे लोग तो उनसे डर के मारे ही कुछ नहीं कर पाते हैं। सिग्निफाई ये करता है कि तर्पण होता है एक लास्ट रिचुअल, जो कि हम अपने पुरखों को किसी की मृत्यु के बाद एक जल अर्पित करते हैं, उसको हम कहते हैं तर्पण कर दिया। तो इसमें जो दलित पिता है जिसकी बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश होती है और उसकी एक बेटी के साथ ऑलरेडी बलात्कार हो चुका है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर चुकी है, इतने दुख सहने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिलता है और आउट ऑफ एंगर वो, जो हम किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो वो
अगर उसे न्याय कानूनन नहीं मिलेगा तो वो अपने निजी तौर पर उससे बदला लेना चाहेगा। तो वो जिस तरह का उसका भाई बदला लेता है और उसके लिए उसका पिता जेल जाता है, वो कहता है कि मुझे जेल जाने दो, क्योंकि वो चाहता तो वो बच जाता, लेकिन वो कहता मुझे जेल जाने दो क्योंकि ये मेरा जेल जाना मुझे मेरे पुरखों के किए गए अपराध या ये इस तरह के कृत्य का मैं तर्पण करने जा रहा हूँ। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, इसलिए इसका नाम टाइटल जो है तर्पण है।